आज हम बनाते हैं बैंगन सरसों। और इसके लिए हमें लेना होगा आधा किलो बैंगन। मैंने इस तरह का बैंगन ले लिया है, छोटा वाला। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें बीच में चीरा लगाए हैं, पूरा कटा हुआ नहीं है। आप वैसे जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। और बैंगन में कीड़ा, ज़्यादातर बैंगन में कीड़ा होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। मैंने एक एक करके चेक कर लिया था काटने वक्त। तो ये छोटा वाला बैंगन लिए हैं। आप जैसा चाहें वैसा बैंगन का बना सकते हैं। बड़ा बैंगन का बनाना है तो उसे बीच से काट दें। और इसके लिए लेना होगा एक टमाटर, एक बड़ा टमाटर लिए हैं, या आप दो छोटा टमाटर भी ले सकते हैं। और सरसों लहसुन का पेस्ट बना लें। सरसों लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए, या अगर आपको सीखना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैं इसमें हाफ कटोरी सरसों ली थी, और उसे पाउडर करके और फिर इसमें दो लहसुन रख के और पानी डाल के पेस्ट बना लिए हैं, देख सकते हैं। अब चलिए तेल गर्म करते हैं। इसके लिए हमें सरसों तेल लेना होगा। और तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें रखेंगे पचफोरन 1 चम्मच। पचफोरन आप मार्केट से भी बना बनाया ले सकते हैं, या आप खुद से बना सकते हैं। एक चम्मच पचफोरन डाल देंगे और फिर डालेंगे कसूरी। आप चाहें तो अलग अलग ही इसका पेस्ट बना सकते हैं। करीबन 3-4 मिनट इसको भून लिए हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर। सरसों की सब्जी में टमाटर आप जरूर डालें, इससे इसका पेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। मसाला लगभग भून गया है। अब इसमें डालेंगे बैंगन। अब 2-3 मिनट इसे भी चलाएंगे। देख सकते हैं कि ये मसाला बिल्कुल इसमें अच्छे से चिपक गया है। लेकिन ये मसाला तो भूल गया, बैगन अभी नहीं गला होगा पूरी तरह से। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार। मिर्ची मैंने सरसों में पीस दिया था, 2 हरी मिर्च डाली। अगर आपको इच्छा हो तो इसमें आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें जैसा ग्रेवी रखना है वैसा आप रख सकते हैं, और पानी भी डाल सकते हैं इसको। ये बैंगन की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई। लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।